नमस्कार, मैं पूजा गुप्ता लेकर आई हूँ जेके प्राइम मीडिया से आज दिन भर की ताजा खबरें। कोरोना की रफ्तार मौत के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत। एक दिन में 99,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर, महापंचायत आज। पश्चिमी उप्र में सब ठीक बताने की तैयारी में जुटी भाजपा। कोविड-19 टीके के लिए स्वास्थ्य व फ्रंटलाइन कर्मियों के नए पंजीकरण पर रोक। छत्तीसगढ़ में 700 जवानों को घेरकर नक्सलियों ने किया हमला। घटना स्थल से 14 शव बरामद, 21 जवान अब भी लापता। यूपी में 3 वर्षीय बच्चे का शव बुलंदशहर में बरामद। दादरी में घर के सामने से गायब हुआ था बच्चा। महाराष्ट्र में कोरोना से जंग तेज। बीते शनिवार को 462,00,000 लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की डोज। कश्मीर के बारामूला के बाबा ऋषि बाजार में लगी आग के चलते 28 दुकानें जलकर हुई खाक। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी कोरोना से संक्रमित, खुद को किया क्वारंटाइन, ट्वीट कर दी जानकारी। राहुल गांधी का केरल दौरा आज। मंदिर के दर्शन के बाद शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल का दौरा आज। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उधमपुर में रेड़ी वालों को लाइसेंस देकर 21 वार्डों में किया जाएगा तबादला। कठुआ के बसोली के नागदेव स्थल पर भंडारे का किया गया आयोजन। एडवोकेट आजाद शत्रु शर्मा ने एक बार फिर बने कठुआ बार एसोसिएशन के प्रधान। सीआरपीएफ की 21वीं बटालियन ने मनाया 30वां स्थापना दिवस। जम्मू के कारोबारी नागर सिंह उर्फ नागो के घर के बाहर बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग। किसानों ने कहा, खेती को लाभकारी बनाने के लिए बड़े फैसले ले सरकार। जम्मू कश्मीर में 3-4 साल में मिलेगी 3500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। 17 बिजली परियोजनाओं का होगा ई उद्घाटन। जम्मू के बावे में ट्रैंकुलाइजर गन के साथ तेंदुए पर निगाह रखेंगे 3 वन जीव कर्मी। जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज नेहरू गिरफ्तार, हाउसकीपिंग टेंडर में घोटाले का आरोप। जम्मू कश्मीर में फिर बंद हुए स्कूल। 200 से ज्यादा लोग किसी भी कार्यक्रम में नहीं हो सकते शामिल। इसी के साथ दीजिए इजाजत। जय हिंद।